जय हिंद साथियों, मद्रास हाई कोर्ट के बाद मुंबई हाई कोर्ट ने भी तबलीगी जमात के ऊपर जितनी भी एफआईआर हुई थी उन्हें ये कहते हुए रद्द कर दिया है कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया, राजनीति के तहत उन्हें बदनाम किया गया और देश भर में उनके ऊपर एफआईआर करवाई गई। और हमें भूलना नहीं चाहिए, सबसे पहला मामला भारत की राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन में जो तबलीगी जमात के लोग इकट्ठे हुए थे उन पर एफआईआर करवाने का आदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था। और उसके बाद भाजपा ने उसका फायदा उठाते उठाते पूरे देश में अपनी नाकामियों को कोरोना से लड़ने में आज मामले 24 घंटे में 70,000 मामले और कुल मिलाकर 30 लाख मामले भारत में आ चुके हैं। 50,000 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। लेकिन ठीकरा फोड़ने का पूरा गोदी मीडिया को, राजनीतिक दलों को, चाहे वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो या केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो, अपनी नाकामियों का ठीकरा तबलीगी जमात के ऊपर फोड़ना शुरू कर दिया। देश भर में इनके खिलाफ एफआईआर हुई। मुझे आज खुशी है इस बात की कि न्याय हुआ है। मद्रास हाईकोर्ट के बाद मुंबई हाईकोर्ट ने उनके ऊपर दर्ज सारी एफआईआर को रद्द किया है। अब हम पूरी उम्मीद करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तबलीगी जमात के ऊपर सारी का सारा ठीकरा दिल्ली का फोड़ना शुरू कर दिया था। और इतना ही नहीं, जब वो आंकड़े बताते थे कि दिल्ली में कितने जो है वो मामले आ रहे हैं, उसमें तबलीगी जमात को भी मेंशन किया जाता था। जब हो हल्ला हुआ, उन्हें लानते आपको केजरीवाल सरकार को भेजी गई, तब उन्होंने ये हरकत करना बंद किया कि तबलीगी जमात के मामलों को लिखना बंद किया, वरना उससे पहले वो बिल्कुल संघ भाजपा आरएसएस की चालों में खेल रहे थे। आज मैं आप सबसे कहूंगी, दबाव बनाइए। जिस तरह से मद्रास और मुंबई हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात के ऊपर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया, राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया, उसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपने जितनी भी एफआईआर करवाई थी उन्हें तुरंत लिखित में दिल्ली हाईकोर्ट में दीजिए कि उन्हें रद्द किया जाए, उन्हें वापस लिया जाए, उससे न्याय किया जाए। क्योंकि आज देश के 30 लाख मामले और दिल्ली के अंदर 1.5 लाख से भी ऊपर मामले, 4,500 से ऊपर मौतों के जिम्मेदार वो नहीं, आप और आपकी सरकार है। आपकी जवाबदेही बनती है, आपको माफी मांगनी चाहिए। जय हिंद।